वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी इधर आप देख सकते हैं ट्रैम की स्पीड 400 और ये अभी बहुत ही ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग है और ये बजाज की कोलैबोरेशन के साथ ये बाइक रेडी हुआ है, जैसे कि हीरो का हार्ले डेविडसन के साथ हुआ था वैसे ही ट्रैम का बजाज के साथ हुआ था और ये उसका प्रोडक्ट है और ये है स्पीड 400 और वो हो गया स्पीड 400X हो गया जो अपना स्क्रैम्बलर सेगमेंट है। और बाकी इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बाकी इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, आपको 2,25,000 का एक शोरूम मिलता है और ऑन रोड ये लगभग 2,62,000 के आसपास पड़ जाता है और हमारे भुवनेश्वर में तो 2,62,000 एग्जैक्टली प्राइस है। आप अपने हिसाब से अपने सिटी में चेक कर लीजिएगा। तो आपको एक 360 लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके फ्रंट से डिटेल से बात करते हुए आएंगे नीचे की तरफ, मतलब पूरा कवर करेंगे। और ये इसका रेड कलर है जो कि बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। बाकी जो कलर है मैं आपको स्क्रीन में डाल दूंगा, आप देख लेना। और इधर आप देख सकते हैं आपको राइट साइड पे चेन ड्राइव ये मिलता है और बहुत ज़्यादा यूनिक है, मतलब रॉयल एनफील्ड के पहले जो मतलब आते थे उसमें ही मिलते थे आपको राइट साइड के, बाकी बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं राइट साइड पे। तो ये हो गया, बाकी अभी फ्रंट से शुरू करते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं इसमें आपको फ्रंट में फुल LED सेटअप मिल जाता है, बाकी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा आपको DRL मिल जाता है, बाकी ये अभी जो डिपर पे है और ये इसका जो हेडलाइट हो गया मेन हेडलाइट जब ऑन होगा आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देख लो, ये हो गया अपना हेड। तो बाकी इंडिकेटर आपको LED मिल जाते हैं, इधर आप देख लो। तो ये हो गया, बाकी अभी इस साइड आप देख सकते हैं आपको 43mm के गोल्डन USD मिल जाते हैं और इधर आप देख सकते हैं आपको 17 inch का व्हील्स मिल जाता है और इसका जो सेक्शन है 110 सेक्शन का। और आपको इधर आपको डिस्क ब्रेक भी दिखा देता हूँ जो कि आपको रेडियल डिस्क ब्रेक मिल जाता है, अब इधर देख सकते हैं, जिसमें आपको 4 piston मिल जाते हैं। और जो नॉर्मल डिस्क और रेडियल डिस्क में क्या फ़र्क होता है मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा। और इधर आप देख सकते हैं आपको रेडियल ब्रेक मिलता है जिसका बाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और ये बाइब्रे कंपनी का है और ये 300mm का है जो इसका बाइटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी उस तरफ अभी चलते हैं और तो इधर आप देख सकते हैं इसका मेन इंजन और इधर आप देख सकते हैं आपको इधर मिल जाता है TR Series 400 और बेसिकली ये 398.something cc का लिक्विड कूल इंजन है। इधर आप देख सकते हैं रेडिएटर और ये प्रोड्यूस करता है 40 bhp और 37 Nm का टॉर्क। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पावर फिगर देख के ये KTM वाला इंजन है, भाई ये नहीं है। इधर आप देख सकते हैं इसमें आपको राइट साइड में जो चेन ड्राइव मिल जाता है और इंजन का स्ट्रक्चर वगैरह देख लो तो ये कम्प्लीटली एक न्यू इंजन है। और फिनिशिंग वगैरह भाई देखो भाई यार, ये जो मशीन कट देखो भाई इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और बाकी देखो फिट एंड फिनिश और जितने भी जो चीज़ है ना भाई वो इतने ज़्यादा बारीकी से बनाया गया है ना, और बजाज और ट्रैम्प ने मिलके जो बहुत ही अच्छा काम किया है ना उसका जो रिजल्ट ये प्रोडक्ट है। और जिस प्राइस रेंज में ये आता है और जिस ब्रांड वैल्यू जिस पावर और फीचर्स ये लेकर आता है ना भाई, वन ऑफ द बेस्ट बाइक है ये 3 lakh के अंडर और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब प्रोडक्ट है ये। और इधर आप देख सकते हैं इसका जो एग्जॉस्ट तो आपको मेटल फिनिश में पूरा मिल जाता है, इधर इसका जो कवर वगैरह भी। और ये हो गया, बाकी अभी इधर आते हैं तो इधर हो गया आपका ब्रेक लिबर और ये हो गया फुटरेस्ट। और तो अभी इधर देख सकते हैं आपको रियर साइड पे आपको मोनोशॉक मिल जाता है और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको एडजस्टेबिलिटी भी मिल जाती है। फ्रंट में आपको कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलता है, बाकी इसका एग्जॉस्ट है जिसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर रहा है। और ये राइट साइड ड्राइव है तो आप इधर देख सकते हैं, बाकी इस पर आपको जो एल्यूमिनियम स्विंग गैप मिल जाता है। और इधर आप देख सकते हैं इधर आपको स्पीड 400 की बैच और इसका जो ग्राफिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम लगता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है और ये भी 17 inch का है। और बाकी रियर लाइट आप देख सकते हैं और इंडिकेटर तो आपको LED ही मिलते हैं। और ये हो गया ग्रैब हैंडल जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और सीट आपको सिंगल सीट मिल जाता है और इसका सीट हाइट भी बहुत ज़्यादा कम है, 790 mm जो कि छोटे राइडर के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, कोई भी इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इधर आपको सारी गार्ड मिल जाता है और डिस्क ब्रेक आपको इस साइड मिलता है जस्ट बिकॉज आपको उसमें राइट साइड में चेन ड्राइव मिलता है। तो ये हो गया 230mm का सेम बाइब्रे कंपनी का, अभी इधर देख सकते हैं। और इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। तो ये हो गया, बाकी इधर आपको 6 speed का गियरबॉक्स मिल जाता है। और जो इंजन की फिनिशिंग देखो यार, आपको मतलब आपको लव हो जाएगा इस बाइक से अगर आप अपने जो रियल लाइफ में इसको देख लिया।
ये तो वीडियो है, पर आप अगर इसको मतलब रियल लाइफ में आके आगे देखोगे, मतलब सामने खड़े होके, भाई बहुत ज़्यादा इसका जो क्वालिटी लेवल और फिट एंड फिनिश ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाकी टैंक आपको 13 लीटर का मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा रेंज मिल जाएगा। माइलेज आपको 225-230 का मिल जाएगा, जिसके हिसाब से आप अपना रेंज जान सकते हैं। 13 लीटर का टैंक भी आपको मिल जाता है। और इसका जो ओवरऑल वेट है वो है 174 केजी का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा वेट है इस पावर रेंज के हिसाब से, मतलब पावर टू वेट रेशियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको जो साइड मिरर मिल जाते हैं, बार एंड मिरर, और ये हो गया जो कंट्रोल्स की बात करें तो इधर आपको अपर डिपर मिल जाता है, और ये हो गया अपना, सॉरी ये तो पास लाइट हो गया, बाकी ये अपर डिपर, और ये जो इन्फॉर्मेशन के लिए आई बटन, और ये हो गया इंडिकेटर, ये हॉर्न, और इधर आपको इंजन कील स्विच और हाजिर बटन और स्टार्टर बटन। और इसके भी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इधर आपको तो एक बार खोल के दिखा देता हूँ। तो आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है जो कि एनालॉग में है, और ये हो गया अपना ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये हो गया बैटरी का, ये हो गया इंजन लाइट, और ये हो गया न्यूट्रल, और ये हो गया फ्यूल जो लो फ्यूल का, और इधर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, ये हो गया अपना टैकोमीटर RPM, और इधर आप देख सकते हैं साइड स्टैंड का भी साइन आ जाता है, इधर टाइम, इधर आपको फ्यूल गेज हो गया। तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं। तो ये था इसका कंप्लीट वॉक अराउंड वीडियो, और बाकी इसका जो टेस्ट राइड वाला मतलब अवेलेबल नहीं है, जब हो जाएगा उसका जो राइडिंग मतलब राइडिंग रिव्यू वगैरह आपको मिल जाएगा। तो बाकी ये था, बाकी इस बाइक के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी बात करते हैं कंपटीशन की, थोड़ा मतलब आपको एक नॉलेज दे देता हूँ। तो अपाची RTR 310 और हो गया डोमिनर 400, ये सब जिस रेंज में आता है ये उसी के प्राइस रेंज में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है, पर जिस लेवल का ये भाई, इसका फिट एंड फिनिश है, इसका जो क्वालिटी लेवल है और इसका जो पावर वगैरह मिलता है, हाँ इसका थोड़ा ये इतना ज़्यादा बल्कि नहीं लगता है कंपेयर टू डोमिनर 400 और जो RTR 310, उसके हिसाब से इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है, पर ये उसी हिसाब से डिज़ाइन भी किया गया है कि सिटी के लिए आपको डेली सिटी टू और थोड़ा सा लॉन्ग राइड भी आप इसमें कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और इसका जो सीटिंग पोजिशन भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट देता है। मेरी हाइट है 6.3, और ये थोड़ा इसलिए मैं थोड़ा मतलब पैर थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरी हाइट के हिसाब से भी इधर आप देख सकते हैं मैं कम्प्लीटली अपराइट बैठ सकता हूँ। तो इसमें जो कंफर्ट वगैरह ना बहुत ज़्यादा अच्छा आपको अच्छा मिलेगा। और ये तो हो गया, बाकी पावर वगैरह तो आपको 40 BHP मिल ही रहा है, और प्राइस रेंज भी 2,25,000 और ऑन रोड आते आते 2,60,000 हो जाता है, जो कि 3 लाख के अंडर वन ऑफ द बेस्ट बाइक भी है, आप टॉप 3 में भी ले सकते हो इसको, और बहुत ज़्यादा अच्छा बाइक है। बाकी वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।